बिहार में पुलिस की लाख कोशिशों के बाद भी शराब की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। सहरसा पुलिस ने बैजनाथपुर हाट से एक पिकअप वैन से 1086 लीटर शराब बरामद किया। साथ ही आरोपियों के पास से पुलिस ने हथियार भी बरामद किया है। बैजनाथपुर पुलिस शिविर प्रभारी को यह गुप्त सूचना मिली थी कल दोपहर में कि बैजनाथपुर हटिया में एक बोलेरो पिकअप में अवैध शराब है, विदेशी शराब। उसी सूचना के आलोक में इन्होंने छापेमारी की तो वहां पर बोलेरो पिकअप मिला जिसमें से 1086 लीटर विदेशी शराब बरामद हुआ है। भागलपुर पुलिस ने भी लग्जरी गाड़ी से शराब की तस्करी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। पुलिस ने इस गिरोह के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। के पास भी इन्फॉर्मेशन थी कि एक अवैध शराब का बड़ा खेप भागलपुर जिला से अभी जगदीशपुर थाना की सीमा से गुजरने वाला है। इस सूचना को पर संज्ञान लेते हुए व्हीकल चेकिंग कराई गई। व्हीकल चेकिंग कराने के क्रम में 2 गाड़ी इंटरसेप्ट किया गया जो कि संदिग्ध स्थिति में भाग रहे थे और उन गाड़ी से काफ़ी संख्या में शराब बरामद हुआ है। एक सफारी गाड़ी है जिसका नंबर BR19F3653 है और इसमें मोहम्मद अब्दुल्ला और सोनू कुमार, ये सहरसा के रहने वाले हैं। शराबबंदी के बाद जहां शराब माफिया लगातार सक्रिय हैं तो पुलिस भी इनके मंसूबों पर पानी फेरकर गिरफ्तारियां कर रही है। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह और भागलपुर से आशीष की रिपोर्ट।